आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं और इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, इन्होंने भी कम्युनिज्म के आधार पर हम देश के तकदीर को बदलेंगे ये वादा किया था। 1947 के बाद आज 75 साल पूरे करने के बाद हम जब सोचते हैं तो समाजवाद खत्म हो गया, समाजवादी भी खत्म हो गए। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहीं गिरा, ऐसी हालत हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई, स्वतंत्र पार्टी भी समाप्त हो गई और आज पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है कि विश्व की सामाजिक आर्थिक तस्वीर को कौन बदल सकता है। और इसलिए पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि कम्युनिज्म अपने ही भूमि पर परास्त हुआ है और चाइना और रशिया ने भी कम्युनिज्म अपनाना छोड़ दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चाइना के निमंत्रण पर चाइना गया था। मेरे साथ सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रमुख नेतागण थे और जब हम लोग चाइना विजिट किया तब वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से जब चर्चा हुई तो हम लोगों ने उनको पूछा कि लाल झंडा ही केवल दिखता है, बाकी तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सब बातों को छोड़ दिया है। जो नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे, मंगोलियन वंश के, उन्होंने दुनिया से पैसा लाया, शंघाई का विकास हुआ, उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया। यही बात रशिया में हुई। और आपको कभी मौका मिलता है, हंगेरी अब जाएंगे आप, जो जो यूरोपियन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का राज था उन देशों में जाओगे, ऑस्ट्रिया में जाओगे, स्विट्जरलैंड में जाओगे, जहां जाओगे वहां आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने थिंकर थे, विचारवंत थे, उनकी प्रतिमाओं को उखाड़ उखाड़ कर एक गार्डन में कोने में रख दिया। इसका कारण लोगों को उनके प्रति रोष था। और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा के आधार पर जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उनकी तस्वीर को बदल देंगे, उन लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दिलाएंगे। इसी भाव में, इस भाव के साथ हमने कार्य का शुभारंभ किया। राजस्थान ने हमारे देश को बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी को नेता दिए, सुंदर सिंह भंडारी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, इन लोगों ने उस समय पार्टी का काम किया जब सम्मान नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, विजय नहीं था, पराजय था, लोगों में रिकग्निशन नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं था, फिर भी जनसंघ के रूप में कार्यकर्ता काम करते रहे। फिर जनता पार्टी का उदय हुआ, लोकतंत्र खतरे में इंदिरा जी ने डाल दिया, राजनीतिक नेताओं को मिसा के अंदर जेल में बंद कर दिया, न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, मीडिया पर नियंत्रण लाए। तब उसी समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता पार्टी की निर्मिति हुई जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। मुझे याद है मैं 1975 में पहली साल महाविद्यालय में गया था, मैंने कॉलेज छोड़ दिया, इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा। मेरे घर वाले बहुत नाराज थे, उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मैंने परीक्षा दी और मुझे 52% ही मार्क मिले और मुझे साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, जिसके कारण मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इमरजेंसी ने और जनता पार्टी ने मेरा बहुत नुकसान किया, ऐसा मेरे बहनों को और मां को लगता था, पर मेरे उनके आशीर्वाद मेरे साथ थे, मैं इंजीनियर नहीं बना, पर आप मुझे 7 यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट डिलीट्स मिल गई और वर्ल्ड में 7 रिकॉर्ड हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मुझे पछतावा नहीं है, पर मैं उस समय अपने कार्यकर्ताओं को देखता था और मुझे खुशी है
कि जनता पार्टी के बाद देश में लोकतंत्र बचा, पर जनता पार्टी चल नहीं पाई। दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और हमारी पार्टी की परिस्थिति 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए।